खुशिंदर सर क्लासेस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन दिस चैप्टर फ्रॉम द फ्लेमिंगो ऑफ क्लास 12। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू रीड अबाउट द ऑथर, यू कैन आल्सो वॉच माय प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग द चैप्टर इट इज कंपल्सरी टू नो अबाउट द नरेटर। Now, William Douglas is narrator here, so keep in your mind. He is also author and narrator. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये घटना तब हुई थी जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly that opportunity. Yakima के YMCA में एक तालाब था जिसने वास्तव में ये अवसर प्रदान किया था। It means YMCA एक पूल है, तालाब है, जो कि याकिमा नदी पर स्थित है और जो तैरने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करता है। The Yakima River was treacherous. याकिमा रिवर जो थी वो ट्रेचरियस थी, यानी कि डेंजरस थी, खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअसली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ सदा मुझे इसके बारे में सावधान करती रहती थी, यानी कि ट्रेचरियस रिवर के बारे में, याकिमा रिवर के बारे में। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और सदा ही मेरे दिमाग में नदी के बारे में प्रत्येक डूबने वाले का ब्यौरा ताजा रखती थी। मदर कंटिन्यूसली वार्न, माँ लगातार मुझे वार्न करती रहती थी अगेंस्ट इट, इस नदी के बारे में। एंड कैप फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और सदा मेरे दिमाग में तरोताजा रखती थी उस डिटेल्स को, जो कि जो भी व्यक्ति डूबा था उस नदी में। बट द YMCA पूल वाज सेफ, परंतु YMCA तालाब जो था वो सुरक्षित था। एंड इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep, ये केवल 2 या 3 feet गहरा था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, लेकिन ये shallow end था। Shallow end का मतलब है ये किनारे पर, shallow end यानी कि धीरे धीरे इसका जो gradual था, जो इसकी गहराई थी वो धीरे धीरे थी। While it was 9 feet deep at another, यानी कि एक तरफ तो वो 3 feet गहरा था और दूसरी तरफ 9 feet गहरा था, यानी कि 3 feet, फिर 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, 8 feet, 9 feet, इस तरीके से उसकी जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी, यानी कि द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, यानी कि गहराई जो क्रमिक थी, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। वाइल जबकि इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, दूसरे किनारे पर 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और गहराई जो थी वो क्रेमिक थी या धीरे धीरे थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग, अब मैंने जल पंखों का एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल पर चला गया, यानी कि तालाब पर चला गया। विलियम डगलस इज सेइंग हियर, आई हेटेड टू वॉक, लेकिन मैं नफरत करता था। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, इस पॉन्ड में जाने में, यानी कि नेक का मतलब विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के मैं जाने से नफरत करता था। इन टू इट, इस नदी में या इस तालाब में जाने से मैं नफरत करता था। एंड सो माई स्किनी लेग, और मैं यहाँ तक कि अपने उन जो पतले पैर थे उनको भी दिखाने में मैं बड़ा नफरत करता था। बट आई सब्ड्यूड माई, परंतु कैसे भी करके, यानी कि मैं इसमें एक तो विदाउट क्लॉथ उस पानी में उतरने में बड़ी नफरत करता था, और मेरी जो दुर्बल टांगें थी उसको दिखाने में भी मैं घृणा करता था। लेकिन बट आई सब्ड्यूड माई प्राइड, परंतु कैसे भी करके मैंने अपने गर्व को वश में कर लिया। प्राइड गर्व होता है, जिस चीज़ पर हम गर्व करते हैं, सब्ड्यूड वश में करना। एंड डिड इट, और मैं इसमें उतर गया, यानी कि तालाब में उतर गया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, हाउएवर, किंतु, आई हैड एन अवर्सन, मैं शुरू से ही अवर्सन यानी कि
नॉट इंटरेस्टेड, मेरी शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी टू द वॉटर, पानी से। वेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर था, यानी कि शुरू से ही मुझे पानी के प्रति अरुचि थी, और जब मैं पहली बार उसमें उतरा, आई हैड एन अवर्सन टू द वॉटर वेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें उतरा। दिस स्टार्टेड वेन आई वॉज 3 or 4 years old, यानी कि ये जो पानी से मुझे फियर था, डर था, वो कब शुरू हुआ। दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ वेन आई वॉज 3 or 4 years, जब मैं 3 से 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिता मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे पिता दोनों ही लहरों में इकट्ठे खड़े थे, यानी कि एक साथ खड़े थे। आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ विद ही, आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उन पर लटका हुआ था। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटका हुआ था। येट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी, वेव्स नॉक्ड मी हियर मींस लहरों ने मुझे नॉक्ड मी डाउन, नीचे गिरा दिया, यानी कि मैं अपने पिता से लटका हुआ था और लहरें आई और उन्होंने, लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और लहरें जो हैं, स्वेप्ट ओवर मी का मतलब मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज ब्यूरेड इन वाटर, और मैं लगभग पानी में दफन सा हो गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और इसको देखकर मेरे फादर मुझ पर हंसे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, परंतु मेरे हृदय में आतंक जो है वो बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, यानी कि हृदय में लहरों के अत्यधिक बल का जो आतंक था वो मेरे हृदय में बैठ गया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, परंतु वहाँ मेरे हृदय में एक आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, यानी कि लहरें जो अत्यधिक बलशाली थी उनका जो आतंक था वो मेरे हृदय में बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, मेरी जो इंट्रोडक्शन थी YMCA से, यानी कि एक प्रकार से इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहचान या मिलना, कि जब मैं YMCA पूल पर देखा, या जब मैंने YMCA पूल पर देखा, या जब मैं गया YMCA पूल पर, स्विमिंग रिवाइव प्रेजेंट मेमोरीज। तो इस YMCA पूल जो कि याकिमा पर बना हुआ था, इसने रिवाइव का मतलब है पुनर्याद कर देना, पुनर्जीवित कर देना, अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी जो दुखद यादें थी उनको तरोताजा कर दिया। एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन के भय को फिर दोबारा से स्ट्रीट हेयर मींस जगा दिया, स्ट्रीट हेयर मींस स्टूडेंट जगा दिया चाइल्डिश फियर, जो मेरे बचपन का भय था, जब 3 या 4 साल का जब मैं बच्चा था और मैं अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था, उस समय पर लहरों के द्वारा जो भय मेरे हृदय के अंदर बैठ गया ओवरपावरिंग फोर्स की वजह से, तो उसको मुझे दोबारा तरोताजा कर दिया। बट इन लिटिल वाइल, परंतु थोड़े से ही क्षण में, बट इन अ लिटिल वाइल, परंतु थोड़े से ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने नए जल पंखों को लेकर के, आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग, जल पंखों को लेकर मैं पैर मारने लगा, या मैंने जल पंखों के साथ अपने पैर मारे। एंड वॉचिंग द अदर बॉयज, अन्य दूसरे लड़कों को पैर चलाते हुए देख करके मैंने भी वाटर विंग लेकर के अपने पैरों को चलाया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैंने पूरी कोशिश की उन लड़कों को देख करके स्विमिंग करने की, और स्विमिंग सीखने की पूरी कोशिश की। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग मीन्स नकल करना। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा या उन लड़कों की नकल 2 से 3 बार की। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों मैंने ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और फिर उसके बाद मैंने सुविधाजनक महसूस करने लगा, एट ईज सुविधाजनक, उसके बाद मैंने सुविधाजनक महसूस करना शुरू कर दिया इन द वॉटर, पानी में। एंड वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, यानी कि तब वह दुखद घटना घटित हो गई,
यानी कि जब मैं आराम महसूस कर रहा था कि मैं अब पानी में तैर सकता हूँ, जा सकता हूँ, डर भय मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ एक बार घटना और हो गई। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर विलियम डगलस कहता है कि मैं तालाब पर गया जब वहाँ कोई भी नहीं था। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, यानी कि स्थान काफ़ी ज़्यादा शांत था। द वॉटर वॉज स्टिल एंड टिल्ड बॉटम, और टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट। द वॉटर वॉज स्टिल, पानी बहुत शांत था और पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और टाइलों से बनी हुई जो तली थी, जो बॉटम था थी जो पूल की, वो एकदम से वाइट थी। एंड क्लीन एज अ बाथटब, और सफ़ेद थी और साफ ऐसी थी जैसे एक नहाने के टब में पानी होता है। एंड आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन फिर भी मुझे डर था, मैं अकेले पानी में जाने से डरता था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेला पानी में जाने से डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया। एंड टू वेट फॉर अदर, और मैं अन्य दूसरे लड़कों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्राउजर, और ब्राउजर ऑफ अ बॉय। अब यहाँ पर स्टूडेंट, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, कि अभी मुझे ज़्यादा अधिक समय भी नहीं हुआ था कि एक वहाँ मसल मैन, एक यानी कि हट्टा कट्टा लड़का या बड़ा लड़का, बिग ब्राउजर जो मसल्स मैन होता है, वो एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः वो 18 साल का था। एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर यानी कि उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसीमैन, और वो एक मांसपेशियों युक्त एक अच्छे शारीरिक सुडौल शरीर वाला था। एंड विद लेग्स एंड आर्म, जिसकी टांगें और जो बाजुएं थी वो अच्छे फिजिक थी, यानी कि स्पेसीमैन था, फिजिकल स्पेसीमैन था, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। एंड दैट सॉर्ट रिपिंग मसल्स, और यानी कि एक सुडोल शरीर को दिखा रही थी जिसमें उसकी मसल्स जो हैं, मांसपेशियां जो हैं, वो उभरी हुई थी, रिपलिंग उभरी हुई थी। एंड ही येल्ड, और वह जोर से चिल्लाया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि बिग ब्राउजर यानी कि एक मसल्स मैन, एक बड़ा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, वो 18 साल का होगा। थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसीमैन, और वो एक यानी कि शारीरिक सुडोल शरीर का स्वामी था या शारीरिक सुडोल वाला व्यक्ति था। विद लेग्स एंड आर्म, उसकी बाजू और उसकी जो टांगे थी, दैट सोड रिपलिंग मसल्स, यानी कि उन पर उभरी हुई मांसपेशियों दिखाई दे रही थी। एंड ही येल्ड, और वो चिल्लाया, हाय स्नी, यानी कि हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू डक, और तुम किस तरीके से गोता लगाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसी के साथ उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टोस्ट मी इन टू द डीप एंड, और उसने मुझे जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा था वहाँ फेंक दिया। डीप एंड, जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा था उस जगह पर उसने मुझे फेंक दिया। अब आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं अब वहाँ पर लैंडेड, नीचे उतरा। इन अ सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन का मतलब जैसे मैं आलती पालती मारकर बैठा हुआ था पूल के किनारे पर, ऐसे ही उठाया और ऐसे के ऐसे ही मैं पानी में, जहाँ पर 9 फीट गहरा पानी था उस जगह पर मुझे फेंक दिया। एंड स्वेलोड वाटर, और अब मैं पानी निगलने लगा, यानी कि ये एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि मेरे मुँह में पानी चला गया, स्वेलोड निगलना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और इसके बाद फिर मैं उसी क्षण में तली में चला गया, बॉटम में चला गया। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, परंतु मैं डरा हुआ था लेकिन अभी भी मैंने अपनी जो समझ के कारण भयभीत नहीं था।
यहाँ पर देखिए, बट नॉट येट फ्राइटेंड, परंतु मैं नॉट येट फ्राइटेंड, अभी मैं डरा हुआ नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ विट्स, विट्स का मतलब है डरे हुए होने के कारण भी मैंने अपनी बुद्धि को नहीं खोया, विट्स का मतलब है मैं सदमे में नहीं आया, अर्थात किंतु अभी भी अपनी समझ के कारण मैं अभी भी भयभीत नहीं था। हेयर स्टूडेंट ये आप याद रखिएगा, एंड ऑन द वे डाउन, और जब मैं नीचे जा रहा था पानी में, आई प्लान, मैंने एक प्लान बनाया, एंड वेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे तो आई वुड मेक अ बिग जम्प, तो मैं एक ऊंची सी छलांग लूंगा एंड कम टू द सरफेस, और मैं इस तरीके से सरफेस पर आ जाऊंगा, यानी कि सतह पर आ जाऊंगा छलांग लगा के, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके बाद सतह पर ऊपर लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैरों को चलाता हुआ मैं तालाब के किनारे पर रहूंगा या पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऐसा उसने एक योजना बनाई। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब वो नीचे जा रहा था, यानी कि उसे जब वो नीचे जा रहा था बॉटम में, तो उसे ये जो यात्रा थी यानी कि बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। एंड देयर 9 feet वर मोर लाइक 90, और ये जो 9 feet थे लगभग अब उसे 90 feet दिखाई देने लगे, यानी कि 9 feet उसे 90 feet लगने लगा। बिफोर आई टस्ट बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इससे पहले कि मैं बॉटम को स्पर्श करता, यानी कि तली को स्पर्श करता, कि मेरे फेफड़े जो हैं यानी कि लंग्स जो हैं फटने के लिए तैयार थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके जो फेफड़े थे, लंग्स जो थे, वो फटने के लिए तैयार थे, वर रेडी टू ब्रस्ट, फटना। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, परंतु मेरे पैरों ने जैसे ही तली को छुआ यानी कि बॉटम को छुआ, आई समन, मैंने इकट्ठा किया ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जबकि मैंने एक योजना बनाई थी, प्लान बनाया था, मैंने सोचा था कि एक लंबी सी छलांग ऊपर की तरफ लूंगा, तो मैंने सोचा कि एक ऊपर की तरफ छलांग लेनी है अपवर्ड। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैंने यहाँ कल्पना करता था कि मैं सतह पर एक कॉर्क की तरह निकल जाऊंगा। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह निकल जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं इसके विपरीत मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू इट, परंतु मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यानी कि पानी जिसके रंग में गंदे पीले रंग की झलक थी, यानी कि आई ट्राई टू सी, मैंने देखने की कोशिश की, बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, लेकिन वहाँ पर पानी के अलावा कुछ नहीं था, केवल पानी के अंदर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग। हेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर पानी जो है एक गंदा यानी कि पीले रंग की एक झलक रखता है, टिंग का मतलब होता है झलक। एंड आई ग्रू पैनिकी, और मैं पैनिकी हो गया, पैनिकी का मतलब है आतंकित हो गया। एंड आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और अब मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि मैं कोई रस्सी को पकड़ लूंगा। आई रीच्ड अप, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, इफ टू ग्रैब अ रोप, कि यदि मैं रस्सी पकड़ लूंगा, एंड माई हैंड्स क्लस्ट ओनली अ वाटर, मैंने तो सोचा कि मैं ऊपर जाकर के रस्सी को पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे हाथों में, क्लस्ट मीन्स पकड़ना, ओनली एट वाटर, केवल पानी ही पकड़ में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग हियर मीन्स स्टूडेंट दम घुटना, और मेरा जो था, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, येल मीन्स चिल्लाना, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक भी नहीं आई, यानी कि मेरा दम घुट गया। एंड देन माई आईज, और उसके बाद मेरी आंखें आई, मैंने देखिए पूरा प्रयास किया चिल्लाने का, लेकिन मेरी आवाज भी बाहर नहीं आई।
एंड देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर, फिर उसके बाद मेरी आंखें बाहर आई, नोज केम आउट ऑफ द वॉटर, और मेरी नाक जो है बाहर आई पानी के, बट नॉट माई माउथ, लेकिन यहां पर मेरा मुंह बाहर नहीं आया. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वॉटर, अब मैं फ्लेल्ड मीन्स पीटना, एट द सरफेस सतह पर, ऑफ द वॉटर, मैं अब पानी की सतह पर हाथों से पीट रहा था, यानी कि हाथों को चला रहा था तैरने के लिए जैसे ट्राई करते हैं, एंड स्वेलोड एंड चॉक्ड, और मेरे मुंह में मैं पानी को निगल गया, एंड चॉक्ड, और मेरा दम घुटने लगा, यानी कि मेरा गला रुंध गया. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप, अब मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वे ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि कोई एक भार हो, डेड वेट हो, यानी कि कोई एक वजन हो, और वो जैसे कि वो मेरे हाथ पैरों में जान ना हो, पैरों में जान ना हो, और वो बिल्कुल मर गए हो और डेड वेट हो. एंड पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब है यहाँ पर क्रियाविहीन हो जाना स्टूडेंट्स, या फिर विदाउट एक्टिविटी. एंड रिज्ड, रिजिड का मतलब है सख्त हो गए, टाइट. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, अब ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई एक बड़ी सी ताकत मुझे जो है नीचे खींच रही थी, अंडर. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली वॉटर, परंतु केवल पानी ही मुझे सुन सकता था. एंड आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, अब मैंने फिर दोबारा से अपनी यात्रा वापस शुरू कर दी. आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी बैक, लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि मैंने वापस तालाब की जो बॉटम था उसकी ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी थी, तली की ओर यात्रा शुरू कर दी थी. आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, स्ट्रक का मतलब है मैं स्ट्रक एट द वॉटर, मैं अब पानी में जैसे ही मैंने स्ट्रक एट द प्रहार किया पानी पर, एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था. अब यहाँ पर स्टूडेंट, अब मैंने प्रहार किया और मैं फिर नीचे जा रहा था, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को, आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, मैंने प्रहार किया पानी पर जब मैं नीचे जा रहा था, यानी कि जैसे तैरने के लिए हाथों को चलाते हैं तो ऊपर आ जाए, इस तरीके से कोशिश की. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को फैलाया, एज वन इन नाइट मेयर फ्लाइट, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने सपने में फैलाता है या लड़ता है, फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, एक ऐसी शक्ति के साथ. इरेसिस्टिबल का मतलब है यहाँ पर एक गहन भय के साथ युद्ध करता है, फोर्स पूरी ताकत के साथ युद्ध करता है, जैसे कि थोड़ा मारेंगे और वो बहुत दूर जाके गिरेगा, जैसे मूवीज में होता है, ऐसी नाइटमेयर में होता है, यानी कि सपनों में होता है कि हम लड़ते हैं एक ऐसी, यानी कि अदम्य साहस के साथ, शक्ति के साथ. तो अब मैं लड़ने लगा, यानी कि अब मैंने पानी पर प्रहार किया जिस प्रकार कोई व्यक्ति सपने में एक गहन भय के साथ युद्ध करता है. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब लगभग मेरी सांसें खो चुकी थी. एंड माई लंग्स एज्ड, और मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे. माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सर जो है वो थ्रॉब कांप रहा था, या एक प्रकार से झटके लग रहे थे. आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब है मैं लगभग पागल सा हो गया. बट आई रिमेम्बर दैट स्ट्रेटेजी, परंतु लेकिन मुझे अभी भी वो रणनीति याद आ गई, या एक प्रकार से वो विधि मुझे याद आ गई. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं तालाब के ऊपर उछलूंगा, यानी कि मैं बॉटम से तालाब में ऊपर की ओर उछलूंगा. ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, जब मैं जंप लगाऊंगा तो एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, और उसके बाद मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा. एंड स्ट्राइकिंग आउट विद माई आर्म, उस बाद फिर अपने हाथों से बाहर अपने हाथों को बाहर डालूंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों के साथ बाहर आ जाऊंगा. एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और उसके बाद फिर मैं अपनी टांगों को पानी पर पटकने लगूंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और तब मैं तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. एंड बी सेफ, और सुरक्षित
रहूंगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे गया जैसे कि कभी ना समाप्त होने वाला तल हो, यानी कि मैं अंतहीन तल में नीचे नीचे जाता रहा जैसे कि ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, नीचे और नीचे जाता रहा. एंड आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला. एंड नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, लेकिन वहाँ पर पीली एक रोशनी के सिवाय, ग्लो मीन्स आभा होती है वैसे तो, कि एक पीली आभा के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था. यानी कि मैंने अपनी आंखें खोली और एक पीली आभा के लिए पानी के अलावा वहां पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया. एंड डार्क वाटर, केवल वहां पर गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता. एंड देन सीर, और उसके बाद, फिर सीर का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर तीव्र. एंड स्टार्क, और उसके बाद तेज, जो टेरर था यानी कि भय, एक तीव्र और कठोर आतंक ने फिर उसके बाद मुझे जकड़ लिया, सीज्ड मी, जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक जिसको कोई समझ ही नहीं हो सकती. यानी कि टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक भय जो कि जानता ही नहीं हो सोच समझ को. एंड टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक आतंक जिस पर कोई नियंत्रण ना हो. एंड टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय यानी कि आतंक जिसे नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ ही नहीं सकता. हु वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव किया ना हो, यानी कि जिसने उस आतंक का अनुभव ना किया हो, डर का, भय का अनुभव ना किया हो, तो वो इसको नहीं जान सकता. एंड आई वाज श्रीकिंग अंडर वाटर, और अब मैं पानी के अंदर चीख रहा था. आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और अब मैं पानी के अंदर लकवा ग्रस्त हो गया. एंड स्टिल, और शांत था, सख्त था. एंड रिजिड विद फियर, और भय के कारण सख्त हो गया, स्टिफ यानी कि जड़ बन गया. एंड इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, और यहाँ तक की जो चीखें थी वो मेरे गले से नहीं निकल रही थी. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, फ्रोजन हेयर मीन्स जम गई. ऐसे लग रहा था मैं चीख रहा था लेकिन मेरे गले से ये चीख बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी, अंदर ही जम गई हूँ. ओनली माई हर्ट, केवल मेरा हृदय. एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और केवल मेरा हृदय और मेरे सर की जो हलचल थी. सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, बस यही था मैं ये कह सकता था कि कैसे भी करके कि मैं वहाँ जीवित था. दैट आई वॉज अलाइव, कि मैं जीवित था. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, बाद तब उस आतंक के मध्य से मुझे एक कारण या एक तर्क सूझा. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और उस आतंक या भय के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, अचानक से एक कारण से मुझे एक प्लान सूझा. एंड आई मस्ट, कुछ मुझे याद आया. आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प, कि मुझे उछलना अवश्य याद रखना है. व्हेन आई हिट द बॉटम, यानी कि जब मैं तली से टकराऊंगा. एंड एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे फर्श को, टाइलों को महसूस किया, यानी कि बॉटम को. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पंजे मानो उन्हें, माई टोज यानी कि मेरे जो पैर का जो अंगूठे होते हैं वो रीच्ड आउट एज इफ, जैसे कि बढ़े. रीच्ड आउट मीन्स बढ़े. एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि उन टाइल्स को पकड़ना चाहते हों, उन टाइल्स को जकड़ने के लिए, जैसे कोई पक्षी किसी ब्रांच को जकड़ता है, ऐसे मेरे जो टोज थे वो जकड़ने के लिए चले, यानी कि बॉटम को, टाइल्स को. आई जंप्ड विद द एवरीथिंग आई हैड, और अब जो भी कुछ पावर, शक्ति मेरे अंदर थी उसके साथ मैंने जंप लगाई, जितनी भी ताकत मेरे अंदर थी. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस उछाल में कोई अंतर नहीं आया. जैसे मैं पहले उछल रहा था वैसे ही अब मैं उछल रहा था. एंड द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब पानी जो था वो अभी भी मेरे चारों ओर था. बट द जंप मेड नो डिफरेंस,
परंतु जो जंप मैंने लगाई उसमें कोई अंतर नहीं आया। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने अब रस्सी के लिए देखा, लैडर और सीढ़ी के लिए देखा, वाटर बिंगल पंखों को देखा। नथिंग बट वाटर, कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय पानी के। अब मास ऑफ येलो वाटर, केवल एक जो है मास, यानी कि अ मास ऑफ येलो वाटर, केवल वहां पर जो पीला पानी था, अब यहाँ पर केवल जो पीला पानी था वही अब मुझे दिखाई दे रहा था, यानी कि पीले पानी ने मुझे अब क्या कर रखा था, घेर रखा था कि भाई वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। अब मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, हेल्ड मी का मतलब है मुझे घेर लिया, एक यानी कि पीले कलर के इस भाग ने मुझे पानी के मास ने मुझे घेर लिया। एंड स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उस तीव्र आतंक ने मुझ पर एक यानी कि टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और भी ज्यादा गहरा पकड़ बना ली, और भी ज्यादा मुझ पर उस आतंक ने और भी ज्यादा गहरी पकड़ बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज, एक ऐसे जैसे कि एक ग्रेट चार्ज होता है, लाइक अ ग्रेट चार्ज हियर मींस एक बहुत बड़ी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मुझ पर उस तीव्र आतंक ने एक, जैसे कि बिजली का एक गहरा आवेश होता है उसकी तरह, और भी अधिक मुझ पर नियंत्रण कर लिया। एंड आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और अब मैं शुक मींस हिलने लगा, ट्रेम्बल कांपने लगा, विद फ्राइट डर की वजह से। एंड माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरी बाजुएं अब नहीं हिल सकती थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी अब टांगे जो हैं वो नहीं हिल रही थी, यानी कि आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, अब मैंने अपनी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को अपनी सहायता के लिए पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटना नहीं हुई, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। एंड देन, और उसके बाद, तब देयर वाज लाइट, तब केवल वहाँ पर प्रकाश था। एंड आई वाज कमिंग आउट ऑफ द आफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक पीले से बाहर आ रहा था। At least my eyes were, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गईं। And my nose was almost out too, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। And then I started down a third time, उसके बाद फिर मैंने तीसरी बार नीचे की ओर जाना शुरू किया। I sucked for air, अब मैंने हवा के लिए सांस खींची। And got water, लेकिन उस सांस के साथ पानी अंदर चला गया, या पानी मैंने प्राप्त किया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी, यानी कि पीला प्रकाश जो था, वॉज गोइंग आउट। गोइंग आउट का मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज, और उसके बाद अब मेरे सारे प्रयास थे सीज, यानी कि शांत हो गए, यानी कि सारे प्रयास बेकार हो गए, लेकिन यहाँ आप शांत कहेंगे। आई रिलैक्स्ड, मैं अब रिलैक्स्ड आराम करने लगा, स्थिर होने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि मेरी टांगे भी एक प्रकार से फेल्ट लिम्प का मतलब फड़कन महसूस करने लगी, जैसे कि बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया हो। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और इसके बाद एक अंधकार मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने आतंक को वाइप आउट कर दिया, यानी कि भगा दिया। इट वाइप आउट टेरर, और उसके बाद अब कोई और भय नहीं था। इट वाज देयर वाज नो मोर पैनिक, अब यानी कि कोई भी भय नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल स्थिरता और शांति थी। एंड नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस, अब वहाँ डरने को कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, यानी कि मुझे अब बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा था। एंड टू बी ड्राउसी, टू बी ड्राउसी यानी कि ऊँगने के लिए। एंड टू गो स्लिप, और नींद के लिए। एंड नो नीड टू जंप, अब मुझे वहाँ जंप भी, उछल कूद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं जंप करते करते थक चुका था। इट इज़ नाइस टू कैरी इट जेंटली,
और अब मुझे कूदने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, उछल कूद कर मैं थक चुका था और इस तरह आराम से जाना अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अब मुझे बॉटम में ऊपर से नीचे जाना बहुत अच्छा लग रहा था। टू फ्लैट अलोंग इन स्पेस, और ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे तैर रहा हूँ स्पेस में। स्पेस का मतलब है यहाँ पर अंतरिक्ष में, मैं जैसे तैर रहा हूँ अंतरिक्ष में तैरना। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और कोमल बाहें मेरे चारों ओर थीं। एंड टेंडर आर्म्स, और यानी कि कोमल बाहें मेरे चारों ओर थीं, लाइक मदर, जैसे कि मेरी माँ की बाहें हों, ना चाहती हों। और नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, नाउ कीप इन योर माइंड। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, अब मैंने यहाँ पर ओब्लिवियन का मतलब है विस्मृति, यानी कि जो पुरानी जो यादें थी मैंने अब उनको क्रॉस मींस पार कर लिया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और अब जीवन का जीवन रूपी जो पर्दा था वो अब गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अब जो मुझे याद था इसके पश्चात मैं तालाब के पास पेट के बल लेटा हुआ था, यानी कि आई रिमेम्बर मुझे जो याद था आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं पूल किनारे पर यानी कि तालाब के किनारे पर पेट के बल लेटा हुआ था। एंड वॉमिटिंग उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वो ये कह रहा था इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा कि द किड नियरली डाई, कि लड़का तो मरने वाला था और तुम जो है मजाक कर रहे थे, यानी कि लड़का लगभग मर ही चुका था और तुम्हें मजाक सूझ रहा था। बट ऑल राइट नाउ, परंतु अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ हम इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। एंड सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद आई वॉक्ड, सेवरल आवर लेटर, कई घंटों के बाद आई वॉक्ड होम, अब मैं चलकर घर गया। कई घंटों के बाद अब मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक, और मैं बहुत कमजोर हो चुका था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। आई शॉक, मैं हिल रहा या मुझे झटके आ रहे थे। एंड क्राइड, और मैं चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। एंड फोर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक एक यानी कि आतंक भय, हंटिंग फियर का मतलब है जिसने मुझ पर काबू बना लिया था, जिसको हम अभिशप्त भी कह सकते हैं, एक ऐसा आतंक जो जकड़ लेता है, वाज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बैठ गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्सन, और हल्की सी भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगर होती थी तो अपसेट मी, मुझे परेशान कर देती थी। अब यानी कि थोड़ा सा भी परिश्रम मुझे बेचैन कर देता था। एंड मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे घुटने लड़खड़ाने लगे। एंड मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वॉबली इन द नीज का मतलब मेरे घुटने लड़खड़ाने लगे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो पेट है वो खराब हो गया, पेट से मैं पीड़ित हो गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद मैं कभी भी पूल पर नहीं गया, मैं वापस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं सदा जब भी मैं जाना चाहता था तो मैं इससे जहाँ तक हो सकता था बचता था। अ फ्यू ईयर, यानी कि कुछ वर्ष पश्चात, वेन आई केम टू नो, जब मुझे ये पता लगा कि द वाटर ऑफ द कास्केड, यानी कि जब मुझे ये पता लगा कि जल प्रपातों के बारे में, कि पानी में जल प्रपात आ गए हैं, भंवर आ गए हैं, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं भी उनमें अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर डिड, जब भी कभी मैंने ऐसा किया तो वेदर आई वॉज वेडिंग टू द टाइटन, यद्यपि चाहे मैं टाइटन या जब कभी भी मैंने ऐसे सोचा चाहे मैं टाइटन पर, यानी कि वेदर आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं टाइटन नदी पर चढ़कर गया। एंड
टाइटन नदी पर गया एंड द बम्पिंग रिवर, चाहे मैं कोई उफान वाली नदी पर और बाथिंग इन द वार्म लेक या किसी वार्म लेक पर मुझे स्नान करना हो या गर्म लेक पर मुझे स्नान करना हो ऑफ द गॉट रॉक्स, गॉट रॉक्स की जो गर्म झील थी, चाहे मुझे उस पर नहाना हो, तो द टेरर दैट यानी कि जो आतंक है, आतंक दैट हैड सीज्ड मी यानी कि द टेरर दैट हैज सीज मी जिस आतंक ने मुझे जकड़ लिया था इन द पूल, पूल के अंदर, वुड कम बैक वो वापस आ जाता यानी कि वही आतंक जिसने तालाब में मुझे घेर लिया था अब वो वापस आ जाता था जब कभी भी मैं वहां पर जाता था यानी कि जल प्रपातों में जाना चाहता था, चाहे मैं टाइटन पर या कोई उफान वाली नदी पर चलना हो या कोई गॉट रॉक्स की जो गर्म झील थी उसमें स्नान करना हो, तो वही आतंक या भय मुझे फिर दोबारा से देता था, वो मुझ पर वापस हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ माई कम्प्लीटली, ये मुझ पर पूर्ण तरह से अधिकार कर लेता। एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड और मेरे पैर जैसे कि लकवा हो गया हो। एंड आइसी ऑरर और बर्फीला आतंक वुड ग्रैब माई हार्ट, बर्फीले आतंक ने मेरे हृदय को जकड़ लिया या मेरे हृदय को जकड़ लेता। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे साल बीतते गए और वैसे वैसे ये जो अपंगता है वो मुझ पर हावी रही या मुझ पर उसने काबू बनाए रखा। दिस हैंडीकैप, इस अपंगता ने स्टेड विद मी, वो मेरे अपंगता मेरे साथ रही जैसे जैसे साल गुजरते रहे। इन कैनोइज ऑन मेन लीक, चाहे मैं कैनोइ का मतलब है छोटी छोटी नाव चलाना चाहता था मेन लीक्स में, या फिशिंग फॉर लैंड लॉक साल्म, या मैं फिशिंग करना चाहता था लैंड लॉक साल्म, एक फिश की प्रजाति होती है, तो चाहे मैं साल्म फिश को पकड़ना चाहता था, फिशिंग करना चाहता था, या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर बास फिशिंग यानी कि बास फिशिंग ये भी मछली है एक प्रकार से, तो न्यू हैम्पशायर में चाहे मैं शांति से मछली पकड़ते हुए, एंड ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स, और एक प्रकार से ट्राउट जो फिश की प्रजाति है, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स, जो डेस्ट्यूट्स में चाहे मैं ट्राउट मछली पकड़ना चाहता था, एंड द मेटेलियस इन ओरेगोन, और ओरेगोन में जो डेस्ट्यूट्स और मेटेलियस में जो ट्राउट मछली पकड़ते हुए, एंड फिशिंग फॉर साल्म, और यानी कि जो कहाँ पर थी, ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में सालमन मछली पकड़ते हुए, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, और यानी कि जलप्रपातों की उफान में, एट द बम्पिंग लेक उफान वाली झील में, कास्केड प्रपातों में, वेन एवर आई वेंट जब कभी भी मैं इन जगहों पर गया, तो द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो जिस भय से मैं ग्रस्त था, आतंकित भय जो मेरे साथ रहा था, वो फिर दोबारा से मेरा पीछा करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को यानी कि मछली के शिकार की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। एंड डेप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, और इसने मुझे छोटी छोटी डिंगियों की यात्रा से वंचित रखा या नाव चलाने से वंचित रखा, बोटिंग से एंड स्विमिंग से, और मुझे तैराकी के आनंद से मुझे वंचित रखा। दिस स्टेंजा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो कीप इन योर माइंड। I used every way, मैंने वो हर तरीके से I used every way I knew to overcome this fear, मैंने वो प्रत्येक तरीके को अपनाया जो मैं जानता था इस भय को काबू पाने का, या मैंने हर तरीके से इस भय से बाहर निकलने का काबू बनाने की कोशिश की। बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु इसने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने निश्चय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा या प्रशिक्षक की सहायता लूंगा। एंड लर्न टू स्विम, और उसके बाद स्विमिंग सीखूंगा। एंड आई वेंट टू अ पूल, इसके बाद मैं पूल पर गया। एंड
went to the pool and get an inspector. और उसके बाद मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर रख लिया, प्रशिक्षक रख लिया. And learn to swim. और उसके बाद फिर मैंने तैरना सीखा. And I went to a pool. और मैं पूल पर गया. And I practiced 5 days a week. और मैं एक सप्ते में 5 दिन करने लगा, या मैंने प्रैक्टिस की. An hour each day. यानी कि मैंने एक दिन में 1 घंटा और एक सप्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की. और मैं पूल पर गया. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट. और एक रस्सी बांध दी उस बेल्ट से. वेंट थ्रो अ पुली, जो कि मेरे सर के ऊपर पुली के द्वारा चलती थी. एक रस्सी यानी कि मेरी पेटी से बंधा हुआ एक घिरनी तक जाता हुआ, आप ये कह सकते हैं, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक सर के ऊपर की ओर एक तार पर चलती थी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. और अब प्रशिक्षक ने उस रस्सी को एक अंत से पकड़ लिया, एक अंतिम किनारे से पकड़ लिया, और एक किनारे को उसकी बेल्ट से बांध दिया. एंड वी वेंट बैक फोर्थ. और अब इसके बाद अब हम वेंट बैक और फोर्थ जाने लगे. यानी कि एक स्विमिंग करने के लिए, जैसे कि वो इस टाइप से तैर रहा है और यहाँ पर एक रस्सी बांध दी स्टूडेंट, ये एक पुली है और यहाँ इंस्ट्रक्टर इसे पकड़ करके बैठ जाता है. और ये यहाँ पर पुली के द्वारा, यानी कि एक घिरनी के द्वारा ये रस्सी चलती है. वो धीरे धीरे इसको छोड़ता है तो वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है. हेयर स्टूडेंट, ही हेल्ड ऑन, उसने अब पकड़ लिया. ही हेल्ड ऑन, अब उसने इसे पकड़ लिया. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी को अंतिम सिरे से पकड़ लिया. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. और उसके बाद अब हम आगे और पीछे जाते रहते, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति कर रहे हैं काम, इसलिए उसने दोनों का कहा है. वरना वैसे तो विलियम ही आगे जाता, लेकिन फिर भी प्रशिक्षक को भी साथ साथ चलना हो. फिर वो आगे और पीछे तालाब में तैरते, फोर्थ अक्रॉस द पूल, और यानी कि आगे पीछे तालाब में तैरते जाते. आर आफ्टर आर, घंटों के बाद घंटे. डे आफ्टर डे, और यानी कि दिन के दिन प्रतिदिन. वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह प्रति सप्ताह. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, यानी कि तालाब को पार करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान. आ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और थोड़ा सा, यानी कि उस प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड, और प्रत्येक बार जो प्रशिक्षक था वो रिलैक्स्ड यानी कि छोड़ देता था रस्सी की पकड़ को. एंड ऑन द रोप, रस्सी से उस पकड़ को ढीला छोड़ देता, और मैं पानी में नीचे जाने लगता. आई वेंट अंडर, और मैं पानी में नीचे जाने लगता. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और कुछ जो पुराना भय था वो वापस भी लौट आता. अब इसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ही इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता था, छोड़ता था, तो मैं पानी के अंदर जाना शुरू हो जाता था. लेकिन सम ऑफ द ओल्ड टेरर, फिर दोबारा पुराना भय मुझे वापस जकड़ लेता. एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर हैं यानी कि मेरी टांगे जो हैं वो जम जाती. इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और मुझे इस चिंता से मुक्त होने में 3 महीने लगे. इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, का मतलब इस परेशानी को ख़त्म होने में. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस, फिर उसने मुझे पढ़ाया किस तरीके से, या सिखाया किस तरीके से चेहरे को पानी के अंदर ले जाते हैं, अंडर वाटर एंड एक्सहेल. और किस तरीके से, एक्सहेल का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट इनहेल सांस लेना, और एक्सहेल यानी कि छोड़ना. किस तरीके से पानी के अंदर सांस छोड़ते हैं, टू रेज माई नोज, फिर किस तरीके से अपनी नाक को ऊपर उठाते हैं पानी से. एंड इनहेल, और किस तरीके से सांस लेते हैं. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार की. स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में भी इसी में से क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड विलियम डगलस कॉन्क्यूर हिज फियर. तो बिट बाय बिट, एक एक करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने उस आतंक को दूर छोड़ दिया. दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था. व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब भी मेरा सर पानी के अंदर जाता तो मुझे उस समय ये भय जकड़ लेता था.
अब मैंने उस भय को धीरे धीरे करके छोड़ दिया. एंड नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. और इसके बाद फिर जो इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे तालाब के एक छुसे पकड़े रखा, यानी कि तालाब के किनारे पर वो बैठ गया और उसने विलियम डगलस के हाथों को पकड़ लिया ऊपर को चलाने. एंड हैड मी किक विद माई लेग. और उसके बाद अपनी टांगों को पानी में मारने के लिए कहा. एंड फ्रॉम वीक आई डिड जस्ट दैट. और मैंने कई सप्ते तक मैं केवल ऐसा ही करता रहा. इसके बाद एट फर्स्ट सबसे पहले माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. जब वो किनारे पर बैठ जाता और मुझे पैरों से किक मारने के लिए पानी पर कहता इंस्ट्रक्टर, तो फोर वीक कई सप्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया. एंड एट फर्स्ट सबसे पहले तो माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, यानी कि पैरों से किक मारने के लिए मना कर दिया. एंड बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु फिर वो धीरे धीरे सहज हो गई, रिलैक्स हो गई. एंड फाइनली कमांड देम, और अंत में मैं उन्हें काम करने का आदेश दे सकता था. दस पीस बाय पीस, अतः थोड़ा थोड़ा करके ही विल्ड अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया. एंड वेंट ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मुझे प्रत्येक पीस में यानी कि सभी कलाओं में जब मुझे निपुण कर दिया. एंड वेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, प्रत्येक कला में जब मुझे निपुण कर दिया, तो ही पुट देम टुगेदर, तो उसने इन सबको एक साथ इकट्ठा किया, इसका एकीकरण किया, इंटीग्रेटेड किया इन टू होल का मतलब है सारी जितनी भी कलाएं थी उन सबको, एक एक जो एक्टिविटी कराई स्विमिंग के लिए उन सबको एक साथ जोड़ दिया. और इन अप्रैल ही सेड, और अब अप्रैल में उसने कहा एंड नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो. यानी कि इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस से कहा कि अब तुम तैर सकते हो. डिव ऑफ एंड स्विम, अब तुम डुबकी लगा सकते हो, तैर सकते हो. द लेंथ ऑफ द पूल, और यानी कि पानी में गोता लगाओ और पार करो. एंड क्रॉल स्ट्रोक, और यहाँ पर कमर के बल स्ट्रोक करो, रेंगो. एंड आई डिड, मैंने ऐसा किया. इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड. ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया, इसका मतलब जो इंस्ट्रक्टर है उसका काम समाप्त हो गया, प्रशिक्षक का जो कार्य था वो पूरा हो चुका था. इसको अदर वे में ना लें, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैं अभी फिनिश नहीं हुआ, यानी कि अब मेरा कार्य अभी भी बचा हुआ था, मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, स्विमिंग की प्रैक्टिस बाकी थी. आई स्टिल वंडर इफ आई वुड टेरर स्ट्रिकन, लेकिन अभी भी मुझे बड़ा आश्चर्य था कि क्या जब मैं देखिए आई वुड टेरर स्ट्रिकन, क्या तब मैं भयग्रस्त हो जाऊंगा. यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, अब वो ये कहना चाहता है कि तब मैं क्या भयग्रस्त हो जाऊंगा. व्हेन आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी भी मेरा काम समाप्त हुआ. आई स्टिल वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब मैं अब पूल में अकेला रहूंगा, यानी कि जब मैं तालाब में अकेला रहूंगा, तो तब क्या फिर से ये दोबारा भय मुझ पर काबू बना लेगा, या मैं फिर दोबारा भयग्रस्त हो जाऊंगा. तो आई ट्राइड इट, मैंने इसको आजमाया. एंड आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने पूरी लंबाई तैर कर गया और वापस आया. अप एंड डाउन का मतलब तैर कर गया और वापस आया. टाइनी वेस्टेजेस, अब यानी कि पुराने आतंक के जो छोटे मोटे चिन्ह थे, टाइनी छोटे मोटे वेस्टेजेस का मतलब चिन्ह, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, वापस लौट आते थे. बट नाउ, परंतु अब मैं, आई कुड फ्राउन, अब मैं अपनी फ्राउन का मतलब त्योरियों को चढ़ा सकता, आंखों की भौहों को चढ़ा सकता था. एंड से टू दैट टेरर, और मैं अब उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, और अब तुम मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो. ट्राइंग टू स्केयर मी, कि मुझे डराओ. एंड वेल, बहुत अच्छा. एंड हेयर इज टू यू, और अब तुम आतंक या भय, ये अब तुम्हारे लिए है, और या यहाँ पर क्या तुम हो, लुक, देखो. अब वो आतंक को ही, डर को ही कहने लगा कि अब क्या तुम यहाँ पर हो, तो ये देखो. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, अब वो डर को ही कहने लगा कि मैं अब तालाब के दूसरे किनारे पर तैर कर पहुँच जाता हूँ. एंड दिस वेंट ऑन जुलाई अंटिल जुलाई, और ये सब जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ.
आई वॉज नॉट श्योर दैट, मैं अभी भी ये निश्चित नहीं था कि दैट ऑल द टेरर दैट हैड लेफ्ट, कि पूरी तरह से उस भय ने मुझे छोड़ दिया है. सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं अब लेक पर गया. और स्टूडेंट्स, लेक कौन सी थी? वेंट वर्थ इन हेम्स न्यू हेम्पशायर, यानी कि अब मैं वेंट वर्थ की हेम्पशायर में जो वेंट वर्थ लेक थी, अब मैं वहां पर गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके बाद मैं न्यू हेम्पशायर में वेंट वर्थ जो लेक थी उस पर गया, डिव्ड ऑफ अ डक. और उसके बाद मैंने एट ट्रिक्स आइलैंड यानी कि ट्रिक्स द्वीप की एक बंदरगाह में गोता लगाया, डिव्ड ऑफ गोता लगाना. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर झील के पार स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तक मैं तैरा. स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, मैं 2 मील तक झील में तैरा. टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड यानी कि झील के पार स्टैम्प एक्ट द्वीप तक. एंड आई स्वैम द क्रॉल, और उसके बाद मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी कि साइड से प्रहार करना, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और कमर से प्रहार करना, ब्रेस्ट छाती के द्वारा तैरना, इस तरीके से मैं सभी प्रकार से तैरा. एंड ओनली वंस द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक वापस. इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर, अब मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला. एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने देखा उस झील में अनंत, यानी कि अनंत का मतलब है जो तली रहित ऐसा पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया. ऐसे लग रहा था जैसे उस झील का कोई अंत ही ना हो. एंड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और पुरानी जो सनसनी थी वो एक छोटे से चित्र के रूप में वापस लौट आई. मिनिएचर मीन्स छोटा सा चित्र. आई लाफ्ट, मैं हंसा. एंड सेड, कहा, वेल बहुत अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या समझते हो, यू कैन डू टू मी, और श्रीमान आतंक तुम क्या सोचते हो, और तुम मेरा कुछ कर सकते हो. एंड इट फ्लीड, अब ये डर भाग चुका था. एंड आई स्वैम ऑन, और अब मैं तैरता रहा. येट फिर भी आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी अभी भी, रेजिडुअल का मतलब है शेष रह गए थे, डाउट्स का मतलब शक या सी रह गया था. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जब मेरा पहला अवसर, यानी कि मेरे पहले अवसर पर, आई हरेड वेस्ट, अब मैं शीघ्र ही वेस्ट की ओर पश्चिम की तरफ गया. वेंट अप एंड टाइटन टू द कॉनकॉर्ड मिडोज, और उसके बाद टाइटन से कॉनकॉर्ड चारागाहों तक. एंड अप द कॉन्क्रीट क्रीक ट्रेल्स, और फिर उसके बाद कॉनार्ड पहाड़ियों से यानी कि मीडे ग्लेशियर तक मैं गया. एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और फिर उस गर्म झील के नज़दीक ऊंचे चारागाहों में मैंने अपना शिविर लगाया, कैंप लगाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप, और अगली सुबह मैंने अपने स्टेप मीन्स कपड़े उतारे, डिव्ड इन टू द लेक, और उसके बाद झील में गोता लगाया. एंड स्वैम अक्रॉस, और मैं दूसरे किनारे तक, टू द अदर शोर एंड बैक, दूसरे किनारे तक तैर कर गया और फिर वापस आया. एंड जस्ट वाज डग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन एक तैराक था, जिस प्रकार से वो किया करता था ऐसे ही मैंने किया. आई साउटेड विद जॉय, और अब मैं खुशी से चिल्लाया. एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न, और इसके बाद गिल्बर्ट चोटी से रिटर्न द इको, यानी कि मेरा जो साउंड था, जो मैंने चीख करके कहा था, वो प्रतिध्वनि वापस लौटी. आई हैड कॉन्करड माई फियर ऑफ वाटर, और अब मैंने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी, मैंने उसे हरा दिया था. तो स्टूडेंट, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. How did William Douglas conquer his fear? और एक था, what is the misadventure that William Douglas speaks about? तो पहले तो वो घटनाएं आप याद करें, उसके बाद किस तरीके से इसने इस भय पर काबू पाया. अब स्टूडेंट्स, ये आपके लास्ट स्टेंजा, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये था एक्सपीरियंस जो था वो मेरे लिए एक गहरा रखता था, यानी कि यह अनुभव मेरे लिए एक गहरा मीनिंग रखता था. एज Only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. और केवल वही जो उस कठोर आतंक को जानते हों या समझते हों, जिन्होंने इस पर
विजय प्राप्त कर ली हो, कॉन्करर इट, जिसने इसे हरा दिया हो, कैन एपिसेट, वही इस आतंक या भय की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, यानी कि मृत्यु में शांति है, एंड देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और अब केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है, यानी कि जब मृत्यु तक का भय हो जाए उस आतंक को हम भय कहते हैं, या एक तो भय होता है और एक भय के द्वारा उत्पन्न किया गया भय एक्चुअल में भय है, यानी कि डर के आगे जैसे जीत है, तो यानी कि भय के द्वारा उत्पन्न जो भय होता है उसको जिसने महसूस कर लिया हो वही उस भय की प्रशंसा कर सकता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था और रूजवेल्ट ने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, यानी कि हम सबको केवल भय से भय है, हम सबको केवल भय से भय है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और एक यानी कि भय के द्वारा उत्पन्न जो भय है उसको मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और वह आतंक जिससे इसका डर पैदा होता है उसको मैंने महसूस किया है, एंड द विल टू लिव, फिर उसके बाद जीने की जो इच्छा शक्ति है, एंड सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इस प्रबलता में किसी तरह भी जीने की जो इच्छा शक्ति है दोनों को मैंने अनुभव किया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रूजवेल्ट जो कि राष्ट्रपति थे उन्होंने ये सब कहे, जो विलियम डगलस के फ्रेंड भी थे और उनके ये विलियम डगलस जो है सलाहकार भी थे, तो उन्होंने ये बात कही। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ये जो क्वेश्चन बनता है आपका, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम सबको केवल भय से भय है, भय के द्वारा जो उत्पन्न भय होता है उसी से हम भय महसूस करते हैं। एट लास्ट, अंत में आई फेल्ट रिलैक्स्ड, अंत में अब विलियम डगलस कहता है कि मैंने रिलैक्स्ड महसूस किया, कि अंत में मैंने अब बड़ा सुकून महसूस किया, फ्री टू वॉक, और अब मैं आज़ाद था टू वॉक, चलने के लिए द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब है मैं नीचे की ओर जाने में, और एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर के ऊपर चढ़ने में, और यानी कि नीचे की ओर उन पगडंडी वाले रास्तों में, पहाड़ी रास्तों में जाने के लिए और चोटियों के ऊपर चढ़ने में, अब एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अब मैं अपने डर को एक तरफ करने में अब मैंने बड़ा सुकून महसूस किया। स्टूडेंट्स दैट यू हैव लर्नड इट वेरी वेल और अंडरस्टूड इट वेरी वेल, लर्नड एंड अंडरस्टूड, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशेंदर सर क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।